गाइज, हमारे देश इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ स्मार्टफोन बायर्स हैं वो बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, यानी कि कुछ आपके और मेरे तरह के लोग। तो एक मिडिल क्लास इंसान किस टाइप का, किस स्वाद का फ़ोन लेना पसंद करेगा? सही पकड़े हैं, वो लेना चाहेगा एक मिडिल क्लास यानी कि एक मिड रेंज बजट सेगमेंट फ़ोन अराउंड 15-20,000 के प्राइस पॉइंट पे। तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है इस 15-20,000 के प्राइस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए सही स्वाद का, सही टाइप का स्मार्टफोन सिलेक्ट करना। तो आप यानी कि टेस्टी टेक के व्यूअर्स गलती ना करें और सही स्वाद वाला स्मार्टफोन सिलेक्ट करें। तो इसलिए मैंने ये लिस्ट बनाया है, मैंने ये वीडियो बनाया है टॉप 10 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20K प्राइस पॉइंट। हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त ऋतिक और आप देख रहे हैं टेस्टी टेक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20K। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा एवरीथिंग टेस्टी इन द वर्ल्ड ऑफ टेक। गाइस, इस लिस्ट का जो सबसे पहला स्मार्टफोन है वो इस लिस्ट का सबसे टेस्टीएस्ट स्मार्टफोन भी है, जस्ट लाइक दिस पेपी चीज। और वो आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी 7 प्रो। नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। रियलमी 7 प्रो आपको देखने को मिलेगा तकरीबन 19-20,000 के प्राइस पॉइंट पर। इस प्राइस पॉइंट पर आपको सबसे टेस्टीएस्ट फीचर जो देखने को मिलेगा वो है इसका 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर, जो कि इसकी 4500 mAh बैटरी को यू चुटकियों में चार्ज कर देगा। सामने तरफ आपको देखने मिलेगा होल पंच कटआउट में 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कलर्स डिस्प्ले करेगा। होल पंच में आपको देखने मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो कि ओकेश सेल्फीज क्लिक करेगा, बट जो बैक साइड में कैमरा सेटअप है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, वो बहुत ही प्यारी फोटोज क्लिक करके आपको देगा। इंटरनली आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर और 6GB की रैम, 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज के अराउंड आपको 19-20,000 के अराउंड बहुत ही अच्छा वेल राउंडेड स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। अगर आपका इतना बजट है तो ज़रूर स्मार्टफोन के लिए जाइए। दोस्तों, अगला फ़ोन जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा सैमसंग की ओर से, सैमसंग गैलेक्सी M31S, जहां पर आपको सामने की तरफ मिलेगी 6.5 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास है, क्योंकि हम जानते हैं सैमसंग की जो स्क्रीन्स होती हैं वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती हैं। आपको मिलेगी 6000 mAh की एक बहुत ही बड़ी बैटरी, लेकिन आपको अफसोस चार्जर जो है वो 15 वॉट का मिलेगा, बट आई थिंक 6000 mAh की बैटरी कवर अप कर लेगी वो। आपको जो कैमरा सेटअप मिलेगा वो 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। सामने की तरफ आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो कि बहुत ही अच्छी फोटोज क्लिक करेगा। जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा ऑन द डाउन साइड है, यहाँ पर सैमसंग का एक्साइनोस 9611 प्रोसेसर आपको मिलेगा, बट ओवरऑल फ़ोन बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। नॉक सिक्योरिटी मिलेगी यहाँ पर। अगर आपको एक नॉन चाइनीज ऑप्शन में स्मार्टफोन लेना है जहाँ पर आपको प्राइवेसी भी अच्छी चाहिए, तो सैमसंग की ये चॉइस आपके लिए ही बनी है 19,500 रुपये में। जी हाँ, 19,500 रुपये में आपको देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी M31S। यहाँ पर जो आपको तीसरा स्मार्टफोन देखने को मिलेगा वो M31S का ही छोटा भाई है। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी M31 17,500 रुपये में आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो हैं, सारे स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम हैं, बस जो फ़र्क है वो है पीछे की तरफ आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा ना देखने को मिल करके आपको देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और जो स्क्रीन है वो 6.5 इंचेस की ना होकर के आपको 6.4 इंचेस की देखने को मिलेगी। बाकी वही सेम 9611 आपको जो है सैमसंग का एक्साइनस प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, सब कुछ सेम है। 17,500 रुपये के प्राइस पॉइंट पर ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा एंड बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से 17,500 में, यू कैन गो फॉर इट। दोस्तों, 17,500 के ही प्राइस पॉइंट पर आपको नेक्स्ट स्मार्टफोन देखने को मिलेगा पोको का, पोको X2 17,500 रुपये में आपको देखने को मिलेगी। सामने की तरफ 6.67 इंचेस की एक 1080p की IPS LCD डिस्प्ले, 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में पिल कटआउट में आपको सामने स्क्रीन मिलेगी, जहां पर 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप अगेन आपको देखने को मिलेगा। इंटर्नल्स की बात कर ले तो स्नैपड्रैगन 730G के प्रोसेसर के साथ ये आता है, यानी कि बहुत ही केपेबल प्रोसेसर है गेमिंग वगैरह के लिए भी। और यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी विद 27W फास्ट चार्जिंग। तो ओवरऑल ये डिवाइस बहुत ही अच्छा है, मैंने पर्सनली पोको X2 को यूज़ करके देखा है एंड इट्स अ वेरी गुड डिवाइस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट।
दोस्तों जैसे मुंबई इंडियंस में आपको देखने को मिलते हैं पांड्या ब्रदर्स, वैसे ही हमारी लिस्ट में है पोको ब्रदर्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पोको X3 के बारे में। पोको X2 का बड़ा भाई पोको X3, और ये मिलता है ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे, 17,500 के प्राइस पॉइंट पर। छोटे भाई बड़े भाई में ज़्यादा डिफरेंसेस भी नहीं है, सिर्फ डिफरेंस जो है वो है प्रोसेसर के मामले में। यहाँ पर पोको X3 में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर, जो कि एक अपग्रेड है स्नैपड्रैगन 730G इन पोको X2। यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है, जो अल्ट्रावाइड कैमरा है उसमें एक अपग्रेड मिलता है आपको। यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है, और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वहाँ पर आपको होल पंच कटआउट देखने को मिलता है, और एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है 20 मेगापिक्सल का। दोनों फोन्स ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों भाई छोटे भाई बड़े भाई, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, और बस नाम का फर्क है। एंड दिस इज अ स्मार्टफोन विच यू कैन डेफिनेटली गो फॉर। तो गाइस, इस लिस्ट का जो 6th स्मार्टफोन है वो भी 17,500 में आता है, और वो है रेडमी का रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। ये 17,500 रुपये में आपको 6.67 इंचेस की स्क्रीन देता है, सेम एस पोको X2, सेम एस पोको X3। एक 5020 mAh की बैटरी देता है, स्नैपड्रैगन 720G देता है, जो कि एक डिमोशन है पोको X2 पोको X3 में, जो स्नैपड्रैगन 732G है। और जो डिमोशन है वो है सॉफ्टवेयर के UI के बारे में भी, क्योंकि यहाँ पर जो रेडमी का MIUI वो एड रिडन UI है, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और काफ़ी ये प्राइवेसी इश्यूज़ हैं रेडमी के फ़ोन्स में, चाइनीज़ फ़ोन्स में, और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि गोफर पोको X2 गोफर पोको X3 पर। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में आपको देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो कि एक इस फ़ोन को अच्छा फ़ोन बनाया है। बट जो इसका MIUI है वो यहाँ पर इसका थोड़ा डाउनफॉल है। होनी को कर दे अनहोनी, अनहोनी को कर दे होनी, नाम है महेंद्र सिंह धोनी। धोनी जी का जर्सी नंबर है 7। 7वें नंबर पर है हमारे पास मोटोरोलो का मोटो 1 फ्यूजन प्लस। 17,000-17,500 की रेंज में स्मार्टफोन आता है, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। 6.5 इंचेस की IPS LCD स्क्रीन है, HDR10 सर्टिफाइड। HDR10 का मतलब काफ़ी क्रिस्प डिस्प्ले देखने को मिलेगी आपको, अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है सामने की तरफ, 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा है, और इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी विद 18W फास्ट चार्जिंग। चार्जिंग थोड़ी स्लो है बट फोन बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इसमें देखने को मिलता है आपको स्टॉक एंड्रॉयड, वो टेस्टी वैनिला वर्जन एंड्रॉयड का, जिसमें कोई ब्लोटवेयर नहीं होता, कोई एड्स नहीं होती, कोई कस्टम स्किन नहीं होती, एकदम नीट एकदम क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसको स्टॉक एंड्रॉयड अच्छा लगता है विदाउट एनी कस्टम स्किन यूज़ करना, तो ये फ़ोन आप ही के लिए बना है। यहाँ पर जो 8वां फ़ोन है वो अगेन रेडमी का नोट 9 प्रो। तो प्रो मैक्स और प्रो में क्या फ़र्क है? एक तो ये मैक्स का फ़र्क है, मैक्स के फ़र्क से क्या आता है? प्राइस टैग के फ़र्क में आता है। यहाँ पर आपको फ़ोन 6GB वाले वेरिएंट का आपको 16,000 देना पड़ेगा। मिलेगी आपको सेम स्क्रीन, मिलेगा आपको सेम प्रोसेसर, फ़र्क कहाँ आएगा? वो कैमरा डिपार्टमेंट में आएगा। जो यहाँ पर कैमरा है पीछे वाला वो 64 मेगापिक्सल का ना होकर के 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है, और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा नहीं है, अब है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और उस बाकी फीचर्स सेम हैं, और सेम क्या है? वही एड रिडन MIUI। तो अगेन यहाँ पर MIUI का आपको एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, बट अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन गो फॉर दिस फोन। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट टू लुक फॉर अनदर फोन इन दिस लिस्ट। गाइस, जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है वो है पोको का पोको M2 प्रो। ये आपको मिलेगा 14,000-15,000 रुपये के प्राइस पॉइंट के तकरीबन, और 14,000-15,000 रुपये में आपको एक विदाउट एड एक्सपीरियंस एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। 6.67 इंचेस की आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी, 5020 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ 33W की फास्ट चार्जिंग, तो ये काफ़ी जल्दी फ़ोन को चार्ज कर देगा। पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, सामने 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलेगा। ओवरऑल एक बहुत ही वेल राउंडेड फ़ोन है, एंड 14,000-15,000 रुपये में यू कैन बाय इट। गाइस, इस लिस्ट का जो आखिरी स्मार्टफोन है वो पहले स्मार्टफोन का ही छोटा भाई है, यानी कि Realme 7, जो कि आपको देखने को मिलता है 15,000 के प्राइस पॉइंट पर, यानी कि 20,000 का बड़ा भाई 15,000 का छोटा भाई। 64GB की आपको स्टोरेज मिलेगी, 6GB की रैम मिलेगी इस वेरिएंट में, और इस वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा 6.5 इंचेस की 1080p की स्क्रीन देखने को मिलेगी, 5000 mAh की बड़ी बैटरी, और 30W की चार्जिंग देखने को मिलेगी।
बड़े भाई में थी 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग, यहाँ पर है 30 वॉट की, काम चला लेंगे, काफ़ी जल्दी फास्ट चार्ज करेगी। पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप, क्वाड कैमरा सेटअप। सामने की तरफ देखने को मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा। यहाँ पे जो प्रोसेसर है वहाँ पर चेंज है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक का हीलियो G95 प्रोसेसर जो कि बना है गेमिंग के लिए। तो बेसिकली बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ माशाल्लाह। गैस जितने भी टेस्टी फ़ोन्स बताए मैंने इस वीडियो में, उन सभी फ़ोन्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको कोई भी फ़ोन लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा यहां से फ़ोन खरीदने में। गैस ये तो ख़त्म हो गया, अब क्या करूं? मैं काम करता हूँ, फटाफट जाकर के ना कोई टेस्टी चीज़ जाके खाता हूँ। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक मिनट, वीडियो को लाइक नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब तो किया नहीं। 90% ऑफ व्यूअर्स जो हैं उन्होंने वीडियो तो देखी है लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अरे तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। आखिर क्यों? क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा एवरीथिंग टेस्टी इन द वर्ल्ड ऑफ टेक।